भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र एनएचआई प्लॉट के समीप NH 31 पर रविवार को यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें सवार 100 से अधिक यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि BSRTC की बस यात्रियों को पटना से पूर्णिया लेकर जा रही थी, तभी अचानक यह हादसा हो गया, जबकि घटना के बाद कई यात्री दूसरे वाहन पर सवार होकर घटनास्थल से रवाना हो गए। इधर बाकी बचे हुए लोगों को भवानीपुर पुलिस द्वारा इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि अचानक बस चालक की आंख लग गई, जिससे बस पलट गई और उस पर सवार यात्री घटना का शिकार हो गए। वहीं इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस हादसे की जगह पर काफी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी, जिससे यात्रियों को तुरंत बस से बाहर निकाला जा सका और इस घटना में किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई है। ये घटना कब हुई है? ये सब 4 बजे शहर हुआ है। कितने लोग सवार थे बस में? इसमें सवा सौ आदमी से कम से कम सवा सौ आदमी था। और सबको मतलब कितना आदमी निकाला गया है, कितना आदमी शीशा तोड़ के निकाला है। ये घटना कब हुई है? ये अभी 4 बजे हुआ है। कहाँ से आप आ रहे थे? ये हम पटना से आ रहे हैं सर। कहाँ जा रहे थे? पूर्णिया जा रहे थे सर। मालदा रेल मंडल के DRM विकास चौबे रविवार को भागलपुर के पीरपैंती रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां DRM ने अपनी पूरी टीम के साथ प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान DRM ने अमृत भारत योजना अंतर्गत बन रहे स्टेशन निर्माण का बारीकी से जायजा लिया और रेलवे अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। वहीं कार्य में गड़बड़ी और लापरवाही देखकर DRM विकास चौबे ने कनीय अभियंता को फटकार लगाई और सही ढंग से काम करने का निर्देश दिया। इधर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे DRM के तेवर को देख सभी अधिकारी में दहशत का माहौल दिखा। वहीं DRM विकास चौबे ने पीरपैंती रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य तेजी से किए जाने की बात कही, जबकि रेलवे स्टेशन के भीतर और बाहरी क्षेत्र के कार्य को देखकर भी उन्होंने संतोष व्यक्त किया। साथ ही कहा कि पुराने भवन के पार्सल भवन, प्रतीक्षालय भवन और अंदर के भवन के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाना है, जिससे अगले माह तक अमृत भारत स्टेशन को यात्रियों की सुविधा के लिए तैयार कर दिया जाए। मौके पर नीरज कुमार वर्मा, राजेश कुमार, SK तिवारी, सिद्धार्थ और स्टेशन प्रबंधक अजय कुमार सहित रेलवे के कई अधिकारी एवं RPF जवान मौजूद रहे। जो बहुत पुरानी डिमांड थी यहाँ के लोगों की, वो पूरी हो गई है। नई राजधानी 16 जनवरी से इस रास्ते से होकर के निकलेगी। कार्य निरीक्षण में, तो निरीक्षण में आपने क्या क्या पाया? नहीं, यहाँ पे ये देख करके बड़ी संतुष्टि है। कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और हम लोगों ने अंदर भी देखा है, बाहर भी देखा है। यात्रियों के लिए जो विकल्प के रूप में जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो अरेंजमेंट है, उसकी भी हम लोगों ने उसका भी निरीक्षण किया है। तो ओवरऑल काफ़ी संतोषजनक है, प्रगति तेज़ है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट ये है कि जो अंदर के जो भवन हैं, एग्जीक्यूटिव लाउंज और वेटिंग हॉल और इस तरह के जो चीज़ हैं, उस पर भी अब तेज़ी से काम को आगे बढ़ाना है। और हमारी इच्छा है कि अगले महीने भर में हम स्टेशन को, अमृत भारत स्टेशन को, अमृत स्टेशन को तैयार करके पैसेंजर्स के लिए खोल देंगे। सर, नए साल में बीमारी से तंग आकर एक महिला ने कीटनाशक दवाई खाकर अपनी जान दे दी। घटना बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां घायल स्थिति में महिला को मायागंज अस्पताल लाया गया, पर इलाज के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिनों से महिला सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित चल रही थी, जिससे परेशान होकर महिला ने कीटनाशक दवाई खा ली, जिसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से डॉक्टरों ने उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान बीबी नजमा के रूप में हुई है। मृतका की पुत्री काजल खातून ने बताया कि बीते दिनों से सर्दी एवं बुखार से मां पीड़ित थी, जिससे तंग आकर उन्होंने कीटनाशक दवाई खा ली। इधर घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 8-10 दिन से मतलब सर्दी बुखार था, सर्दी बुखार का दवाई नहीं खा के पौधा का दवाई खा ली। कीटनाशक दवा खा ली है? कीटनाशक है ना जी। फिर कहाँ पहले लेके गए? कहाँ की रहने वाली हैं आप? अमरपुर डटवाटी सरकारी अस्पताल में ले गए थे। अच्छा, तो वहाँ से रेफर कर दी थी मायागंज जी। मायागंज में इलाज के दौरान मौत हो गई है ना? नहीं, आते आते डेथ हो गई रास्ते में जी। आज ही ला रहे थे क्या? नहीं, रात में लेकर आए थे।
भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में रहने वाली एक युवती ने अपने पिता और घर वालों पर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल सुल्तानगंज वार्ड संख्या 16 के सीताराम गांव निवासी नवरत्न उर्फ मुन्ना पासवान की पुत्री और पीड़ित युवती ने बीते 24 दिसंबर को खुद को बेचने के प्रयास का आरोप अपने पिता, दादी, बहन और बहनोई पर लगाया है। वहीं पिता द्वारा यूपी के एक लड़के को उसे 1 लाख रुपए में बेचे जाने की जानकारी मिलते ही युवती ने यह बात फोन पर अपनी बुआ और फूफा को बताया। मामले को लेकर युवती का कहना है कि पिता, दादी और बहन एवं बहनोई द्वारा उसे बेचने की बात जानने के बाद वह किसी तरह घर से भाग कर अपने बुआ के घर पहुंच गई, लेकिन अब आरोपी पिता और घर वालों द्वारा उसके साथ मारपीट कर गंगा नदी में फेंक देने और बुआ एवं फूफा को झूठे केस में फंसा देने की धमकी दी जा रही है। इस मामले को लेकर युवती सुल्तानगंज थाना पहुंची, जहां उसने अपने पिता एवं परिवार वालों की सारी करतूत पुलिस वालों को बताई और आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। 24 तारीख को मेरे पिताजी मुझे बेचने के लिए बेच रहे थे, जिसके कारण हमको पता चला। अपने फुआ और फूफा को फोन से कॉल किए तो हम किसी तरह घर से भाग के फुआ के पास चला है। कहाँ बेचने ले जा रहा था? यूपी में। यूपी में तो वहाँ से भाग के आई? नहीं, हम घर से भाग के आए, मतलब घर में सब बात कर रहे थे तो हमको पता चला तो हम घर से भाग के आए। अब क्या हो रहा है? अब मतलब वही बोलते हैं कि घर आएगी तो मारेंगे, पीटेंगे, फिर वहाँ पे झूठ मूठ सबको फंसा रहे हैं। किनको फंसा रहा है? फूफा को, फुआ को और मेरा को फुफेरा भाई है, उस वही सबको। थाना में आवेदन दिए हो? हाँ दिए। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर बीपुर सोनवर्षा के किसानों ने आज सोनवर्षा मुखिया के घर पर किसान सभा बुलाकर आंदोलन करने की बात कही है। किसानों ने कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि एक बार अंग्रेजों ने इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, उस समय हमारे किसानों ने यहां पर 122 अंग्रेजों की हत्या कर दी थी, अब हमारी जमीन पर बिहार सरकार कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर कटाव होने से जमीन धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है। वहीं किसान नेता गणेश चंद्रशी और कम्युनिस्ट नेता रामशरण यादव ने कहा कि तमाम किसान भूमि नहीं होने के कारण काफी चिंतित हैं, बाढ़ और कटाव से फसल काफी प्रभावित हो जाती है, अगर इस तरह की दोहरी नीति सरकार करेगी तो सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान किसानों ने कहा कि वो पहले सीओ का घेराव करेंगे, मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। मौके पर कई किसान मौजूद थे। तो ये बाबू रामरू कुमार कहे थे, कहा नहीं ऐसी नहीं होगा, तो मैंने कहा, उन्होंने रामरू बाबू ने कहा ये जमीन मेरी होगी, जमीन लेके रहेंगे। इसमें उन्होंने क्या किया, जब ऊपर हो गया आसीन आ गया तो उन्होंने रैची बाग कर दिया, तो हमारे गांव का सभी आदमी जाके रैची काटना शुरू कर दिया। रैची काटने के बाद उन्होंने क्या, पुलिस आया, पुलिस को 122 खून हुआ, जिसमें उसका जाल जब लगा तो बराड़ी में 22 लाश को मिला, तो 22 खूनिया हम लोग कहते हैं। 122 खून किनका हुआ था? किनका? बिलोचिया का हुआ था, ग्राम साहब का सिपाही को था, अंग्रेज का हुआ था, अंग्रेज हमारा एक कोठो नहीं मरा था, हमारे सोनवर्षा का एक भी नहीं मरा था, सब उन्हीं को मारा था। इसके बाद 22 खूनिया हम कहे, हमारा जमीन, हमारे जो इस गांव के जो थे
जेल में थे, बाबू रामरू कुमार अंगूठा का निशान दिए थे, गरीब था और किसान था, लेकिन उन्होंने उनके नेतृत्व में हमारा समूचा सोनबरसा लड़ गया। तो अंत में उन्होंने खेत उत बेच करके सियारदास प्यारदास भाग उस समय बंगाल का सबसे बड़ा बैरिस्टर था उसको ला करके अथी किया, केस जीत गए। जीत गए तो पुनः बिहार सरकार ग्रांड साहब पूर्णिया जिला और भागलपुर जिला दोनों सर्वे कराया। सर्वे करने पर 1923 में नक्शा फाइनल हुआ। भागलपुर के सराय स्थित एनएसयूआई कैंप कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व नगर अध्यक्ष मोहम्मद खुसरो रजा ने की। इस दौरान केंद्र सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई के द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ एक अभियान भागलपुर शहर में चलाने का निर्णय लिया गया। अभियान का नाम डरो नहीं हक के लिए लड़ो रखा गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी बात की जाती है तो सरकार उसे सलाखों में डाल देती है। इस अभियान में मोदी सरकार और भाजपा के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही कहा कि एनएसयूआई युवा वर्ग द्वारा अभियान पूरे भागलपुर शहर में चलेगा। मौके पर कांग्रेस नेता मोहम्मद तकी अहमद जावेद, गुलाम नबी उर्फ राजू खान, शाकिब नजर और मोहम्मद शाहरुख समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के सुल्तानगंज सब्जी मंडी चौक बाजार में सड़क निर्माण कार्य होने पर सप्लाई वाटर का पाइप फट जाने के कारण पिछले 20 दिनों से इलाके के लोगों को पानी नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य होने पर सप्लाई पाइप फट गई है, जिसके बाद इसकी जानकारी सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव को लिखित आवेदन के माध्यम से दी गई, पर इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। साथ ही लोगों ने कहा कि नगर सभापति राजकुमार गुड्डू द्वारा इस विषय सड़क निर्माण कार्य एजेंसी से बात करने के 5 दिन बाद भी इलाके में पानी की सप्लाई नहीं हो सकी है। वहीं पाइप के सही नहीं होने से लोगों को पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। इधर परेशान लोगों का कहना है कि जल्द ही अगर नगर परिषद द्वारा पानी की सप्लाई दुरुस्त नहीं की गई तो वे सभी सड़क जाम कर प्रदर्शन करने को बाध्य हो जाएंगे।